डीजल पेट्रोल के दामों में कटौती के ऐलान को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 60 दिनों में सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी की, लेकिन अब उसमें कुछ रुपयों की कटौती कर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना बेवकूफ बनाएगी इस देश के लोगों को? क्या मोदी जी, क्या निर्मला सीतारमन जी देश के लोगों को बेवकूफ मानते हैं? 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज़्यादा हैं। तो क्या करें, ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें। याद करिए 21 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट था 95 रुपया 41 पैसे, आज है 105 रुपया 41 पैसे। आप कह रहे हैं 9.5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया बढ़ा दिया, भैया 9.5 कम कर दिया। इसी तरह से डीजल का भाव 21 मार्च 2022 को था 86 रुपया 67 पैसे, आज दिल्ली में है 96 रुपया 67 पैसे, 10 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपया कम कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से, निर्मला जी से, भाजपा के नेताओं से, ये जनता है, ये सब जानती है, इन्हें बेवकूफ बनाना बंद करें। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अच्छे दिन आप नहीं दे सके, वही पुराने दिन हमें लौटा दीजिए। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर सरकार ने कुछ रुपयों की कटौती की है, इससे बेहतर हमारे पुराने दिन थे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी श्रेय लेने से पहले कम से कम ये भी याद कर ले, मई 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी और हमने भाजपा को दी, तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी क्या थी? पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर। पिछले 8 सालों में आपने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कर दी 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर और आज वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 8 रुपया। तो आज भी जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है वो 19 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर है, जबकि कांग्रेस के शासन में 2014 में वो 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर थी। तो अब क्या करें, तालियां बजाएं या थालियां बजाएं? डीजल पर 2014 मई में एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर थी, मोदी सरकार ने उसे पिछले 8 साल में बढ़ाकर 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर कर दिया, आज आपने उसमें 6 रुपए की कमी कर दी। तो आज भी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है, 8 साल पहले कांग्रेस के समय में 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर थी। इस देश को जुमले नहीं चाहिए, इस देश को बेवकूफ मत बनाएं। 140 करोड़ भारतवासियों को मई 2014 की एक्साइज ड्यूटी वापस कर दीजिए, अच्छे दिन नहीं दे सकते, पुराने दिन लौटा दीजिए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को डीजल और पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के लिए जनता सबसे पहले है। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हो गया, वहीं डीजल भी 7 रुपये सस्ता हुआ। खबर में फिलहाल इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।